हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आदित्य एंड यू वॉचिंग टेक सीएसएच। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जो आप बनाते हो। अगर किसी का आपको एट डिजिट फैमिली आईडी नहीं पता है, जिस भी बेनिफिशरीज़ का आप केवाईसी करके आप आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाते हैं और उसका आपको एट डिजिट का आईडी अगर आपको नहीं पता है, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप किस तरह से उसका एट डिजिट आईडी निकाल सकते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना pmjay.csecloud.in साइट पर जाना है और उसे लॉगिन कर लेना है, जैसा हम लॉगिन कर रहे हैं। और वीडियो के आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपको आयुष्मान भारत की सेटिंग नहीं आती है तो उस वीडियो को देख करके आप आयुष्मान भारत की सेटिंग जो है मोर फॉर डिवाइस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं किसी पर्टिकुलर एक मेंबर बेनिफिशरीज का हम एक लिस्ट निकाल के देखेंगे। जैसे हम सपोज दैट एक निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 27/9/2019 को एक कार्ड बनाया था। अब हमें इसका जो है एक इसका जो एट डिजिट आईडी होता है बैक में, तो वो हम एट डिजिट आईडी किस तरह से निकालेंगे। तो अभी आप फिलहाल आपके कीबोर्ड पर CTRL यानी कंट्रोल और साथ में आप प्रेस करेंगे U फॉर अम्ब्रेला। ओके, आप कंट्रोल U प्रेस करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। ओके, शायद आपका वर्क करने लग जाए। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कंट्रोल U और ये देखिए वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें किस तरह से डिजिट आईडी निकालना, तो इसे हम कॉपी करेंगे जैसे करा है दिनेश बारेला। अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे दिनेश बारेला, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखिए 0 रिजल्ट मिल रहा है, यानी कि हम यहाँ से डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो हम शॉर्टकट तरीका एक और बताते हैं इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से आप निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड, अगर हम यहाँ पर कन्फर्म प्रिंट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से कितना कमीशन दिया जा रहा है, कितना आपका चार्ज कट रहा है, तो उसके रिगार्डिंग में हमने एक वीडियो बनाई है। आपको ऊपर आई बटन पर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वो जा करके आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर कर लेते हैं Ctrl+S, ठीक है, Ctrl+S फॉर 7 SEVEN। ओके, तो Ctrl+S प्रेस कर लेंगे और यस पर क्लिक करेंगे, फिर यस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके नीचे जो है वो डाउनलोड हो गया है फाइल। तो यहाँ पर हम करेंगे शो इन फोल्डर और जिस भी लोकेशन पर आपकी फाइल जो सेव हुई है डाउनलोड हो करके, उस लोकेशन पर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, या तो आप इसे राइट क्लिक करके ओपन विथ गूगल क्रोम कर लेंगे। तो जैसे आप करेंगे आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आपको Ctrl+U4 अम्ब्रेला, ओके, आप प्रेस करेंगे और आपने जो नेम कॉपी किया था दिनेश बारेला का, वो नेम आप यहाँ से दोबारा से Ctrl+F प्रेस करके यहाँ पर अपना नाम डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दिनेश बारेला जो है वो नाम आ चुका है। और यहाँ पर हम इसे करते हैं थोड़ा सा और जूम, तो शिफ्ट के साथ प्लस आइकन को दबाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ प्रेस कर लेते हैं शिफ्ट प्लस, तो हम यहाँ पर थोड़ा जूम करके बता देते हैं। Ctrl+ कीजिएगा तो थोड़ा जूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिनेश बारेला है ये इनका नाम हो गया। और यहाँ से आप देखिए क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर के जरिए भी आप अपना कार्ड निकलवा सकते हैं कहीं से भी। और यहाँ पर जो 8-digit ID है फ्रेंड्स, वो 8-digit ID ये है आपका, ठीक है, सॉरी ये 9-digit ID है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9-digit ID आपके पास ये है। और यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर से जो मोबाइल नंबर आपने फिल किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर ये है। और 8-digit ID फ्रेंड्स ये रही, ठीक है, 1 2 7 2 9 8 7 0, ठीक है, ये आपकी होगी 8-digit ID, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपकी जो 8-digit ID वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही आपकी वो 8-digit ID, आप इसके ज़रिए आप कहीं से भी कार्ड निकलवा सकते हैं, जो भी आयुष्मान मित्र या जहाँ पर भी आप हॉस्पिटल में जैसे जाते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर आपका कार्ड अगर खो जाता है तो आप इस इन केसेस में आप उन्हें ये निकाल करके आप दे सकते हैं। या भी आपको पता करना है कि आपका जो कार्ड आप किस तरह से निकाल पाएंगे, तो मोबाइल नंबर से भी आप निकलवा सकते हैं या जो भी उनका फैमिली आईडी है इसके ज़रिए भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दबा दीजिए और
कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट करेंगे। और चैनल पर अगर आप नए हों या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट हम फिर से करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि आपको किस तरह से बगैर ई के वाई सी यानी बगैर थंब का आप किस तरह से आप जो है आयुष्मान गोल्डन कार्ड बना सकते हैं विद डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।